गाइस, सो वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम दिस होटल फ्रॉम कोटा. नाउ वी आर गोइंग टू बुज. और हमारे पास दो काफ़ी बड़े बड़े लगेज हैं. सो एक लगेज हम लेके जा रहे हैं, तो बाय द टाइम वो एक बड़े बैग की ज़रूरत नहीं है. सो हमने उसके अंदर वो सारा स्टफ डाला है जो हमारे को वहाँ पे ज़रूरत नहीं है. सो इम्पॉर्टेंट चीज़ें रख रही हैं. दिस इज़ देयर लॉकर रूम. सब कुछ हम इनके लॉकर रूम में रखे जाए. तो वंस वी आर बैक, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट हार्डली हाफ एन आवर का मैक्सिमम रास्ता है. सो हम जब यहाँ वापस आएंगे, उबूट से इधर आएंगे, तो यहाँ से अपना बैगेज कलेक्ट करके, अपना लॉकर रूम से इनका बैगेज कलेक्ट करके, विल बी गोइंग टू दी एयरपोर्ट. सो वी आर ऑल रेडी टू गो. सो अभी हम चेकआउट कर रहे हैं यार, और चेकआउट करके अभी एक्टिवा से निकलेंगे. मतलब एक्टिवा क्या, इनकी जो टू व्हीलर है, और इनकी टू व्हीलर में प्रॉब्लम पता है क्या है, सीट बहुत पतली है और एक डेढ़ घंटे का रास्ता है. अपने कोई टेंशन है नहीं भाई यार, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं कार में ट्रैवल करूं. तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता था. मैंने अभी डेस्क में पता किया तो उन्होंने कहा कि आप कार की बजाय ना स्कूटी लेके चले जाओ. इनको यहाँ पे स्कूपी कहते हैं, नॉट स्कूटी. तो आप स्कूपी लेके चले जाओ, आपके लिए वो ईजी बैठेगा. बट प्रॉब्लम ये है कि अब स्कूटी चलती नहीं है यार. धूप आप देखो कितनी है, इतनी धूप में पूरा कवर करके सनबर्न वैसी हो चुका है. आप मेरी नाक वाक सब जल चुकी है भाई, बड़ी गर्मी है यहाँ पे स्पेशली दिन में. रात को तो बहुत प्लेजर हो जाता है. बस अब निकल रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं नीचे कैसे जा रहे हैं. बेसमेंट स्कूटी खड़ी हुई है. सो मैं आपको दिखाता हूँ अभी. ये देखो, ये रास्ता है. हालांकि लिफ्ट से भी जा सकते थे वहाँ से, बट बाहर खड़ा था तो मैंने कहा दिखाता हूँ आपको. वो खड़ी वहाँ पे स्कूटी. अब वहाँ उसको लेके डेढ़ घंटे का रास्ता है भाई. उबूत में बुक किया हुआ है एयरबीएनबी भी, उन लोगों ने भी कैंसिल कर दिया. सो प्रॉब्लम एक नहीं है, बहुत है. तो कुछ इसी तरीके से लेके जा रहे हैं. यहाँ पे मैंने अपना एक बैग लगा लिया, एक छोटा वाला बैग मैंने इसे पीछे रख लिया. और हम इस एक्टिवा में, इस मोटर बाइक में जा रहे हैं. एक घंटे का रास्ता है उबूत का. सो आई थिंक निकल जाएगा. एक घंटा बहुत ज़्यादा नहीं है. थोड़ी गर्मी है ज़्यादा, तो उसके कारण थोड़ी सी टेंशन हो रही है. बट आई थिंक निकल जाएगा. ठीक है, और कम्फर्ट. ठीक है, तो वन बैग इज देयर, एक बैग मेरे पास. निकलते हैं फिर. 1 hour 8 minutes का रास्ता है. यहाँ पे गोली की तरह निकलते हैं. सबसे ज़्यादा तो डर लगता है जब आप रोड पे एंटर करते हो. बहुत आराम से करना है. ये एक रास्ता टोल रोड का भी बचा रहा था, बट वी आर अवॉइडिंग दैट. सेम रास्ता है, सेम डिस्टेंस है. टोल देना, हम टोल रोड को छोड़ के दूसरी रोड पे जा रहे हैं. ये जो सामने वाला रोड है, दैट इज टोल रोड. हम छोड़ के आगे से चुके हैं उबूद. उबूद में अपना अपने सामान रख दिया है, और वहाँ से सामान रखते ही सीधा हम आए हैं एक वाटरफॉल में. यहाँ आसपास में ही वाटरफॉल है. ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स का रास्ता था और आगे. सो हमने फटाफट से सामान रखा, ऐसे ही छोड़ के आ गए फटाफट से. सो ऐसे ही सामान छोड़ के आ गए. एंड देन क्योंकि बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया था, एक घंटे का सफ़र, ऑलमोस्ट एक सवा घंटे का सफ़र था हमारा कोटा से लेकर उबूद तक का, अपने होटल तक का. वहाँ से फिर वापस और 20-25 मिनट्स का वाटरफॉल आया. इट्स वेरी ह्यूज, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे. दिस इज़ कॉल्ड तेगुनुंगांग वाटरफॉल. 20,000 पर हेड इज देयर टिकट्स. काफ़ी सारे टूरिस्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी इंडियंस भी दिख रहे हैं. थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठे हैं, 5-10 मिनट के लिए. वी हैड कोकोनट वाटर एंड देन बस थोड़ी देर बैठे यहाँ पे चिल कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली टायरिंग हो गया. तो भी थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूरी था, तभी ऊपर जाके एंजॉय कर सकते हैं. आई डोंट नो कितना और यहाँ से वॉक इन है. सो यहाँ पे सब कार पार्क्स एंड ऑल, आप देख रहे हो यहाँ पे सब कार पार्किंग वगैरह किया है. एंड दिस, अभी जब मैं यहाँ पर आई, सो आई थिंक दिस इज़ अ फैमिली. ये लोग बैठे हैं यहाँ पे. दिस इज़ दी फैमिली.
सो दे आर सो नाइस एंड सो दे आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे हर बर्थडे सो उनका 47 बर्थडे तो उनको वो सरप्राइज दे रहे थे एकदम से चिल्लम चिल्ली हो गए थे प्लीज ऑल्सो कम ओके देन जाते हैं हम अंदर एंड देन विल शो यू वाटरफॉल कितना अच्छा है कितना बड़ा है अंदर जाके ही पता चलेगा सो हम फाइनली चल चल के 10 मिनट का वॉकिंग और था नीचे तो हम चल के आ गए देखो व्यू 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 वहाँ से हम आ गए हैं और वहाँ पे नहा के बड़ा मज़ा आया पूरे कपड़े पहन के गीले गए थे अभी भी मेरे कपड़े गीले पड़े हुए हैं कैमरे में जो कवर था उसके अंदर थोड़ा पानी चला गया और वहाँ से भी हम आए अब आप कॉफ़ी पी रहे हैं और 9-10 बजे तक बंद हो जाते हैं मेरे ख्याल से अपनी जैसे इंडिया में कैसे होता है लक्ष्मण झूला राम झूला टाइप सा है ना वो वैसा कुछ दिख रहा है अभी कंस्ट्रक्शन में है और बहुत ज़्यादा टेनिस है और पूरी ग्रीन बेल्ट है यहाँ पे सामने वाटरफॉल है और यहाँ कॉफ़ी है या मैं हूँ और साथ में ये है नीतू सब अभी हम कहीं जा रहे हैं थोड़ा बाहर होटल के हम लोग जंगलों के बीच में रह रहे हैं बट अच्छा है जंगल नहीं है बहुत ग्रीनरी है इतना ऑक्सीजन और वेदर बहुत अच्छा दोपहर में और अभी शाम में एकदम ऑपोजिट हो जाता है दोपहर में इतनी गर्मी होती है कि वो बर्दाश्त नहीं होती और रात को ठंडा हो जाता है टूवर्ड्स दैट साइड तो वहाँ जा रहे अभी पैदल पैदल अब एक्टिवा में बैठने की हिम्मत नहीं है बहुत एक्टिवा एक्टिवा हो गया आई थिंक हमको 15 मिनट हो गए चलते चलते और हम ATM ढूंढ रहे हैं ATM नहीं मिल रहा है एक ATM मिला था बट उसके अंदर वीज़ा कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते तो कुछ ATMs ऐसे भी हैं वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते दे एक्सेप्ट ओनली लोकल कार्ड्स थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा है यहाँ पे कूटा में कुछ प्रॉब्लम नहीं है वहाँ भी आपको जगह जगह ATMs मिल जाएंगे यहाँ पे भी हैं बट थोड़ा कार्ड समटाइम्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो जस्ट बी केयरफुल या तो आप पहले से निकाल के रखो फिलहाल तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है CA वाला भी एक और ATM मिला था बट उसके गार्ड ने बोला कि ओनली फॉर लोकल्स तो उन्होंने भी एक रास्ता बताया कि आगे कुछ 200 मीटर पे लेफ्ट जाना है वहाँ पे है वी आर गोइंग बैक दैट साइड इस साइड आया है कितना चल के वैसे मैंने नोट किया है हम लोग जब भी बाहर जाते हैं आधे से ज़्यादा टाइम तो चलने में निकलता है इतना सिटी में अपन नहीं घूम पाते कितना वॉक नहीं कर पाते जितना बाहर आके हम वॉक करते हैं लेट्स सी अभी 200 मीटर तक जाते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं कौन सा ATM है बाली का एक और दिन जहाँ पे अभी हम निकलेंगे टी टेस्टिंग या कॉफ़ी टेस्टिंग कहीं होती है बताया था इन लोगों ने आप है ना मंकी फॉरेस्ट में विज़िट करना वो भी जगह अच्छी है जहाँ हम उलुवाटुलू गए थे तो कौन सा टेंपल है वो उधर पता है इतने बंदर थे भाई तो मेरा मंकी फॉरेस्ट तो वही हो चुका था कि वहाँ पे कोई आपके कपड़े खींच लेता है ग्लासेस खींच लेता है किसी के ईयरिंग्स खींच रहा है सो वो थोड़ा अनॉय है अभी निकल रहे हैं टी कॉफ़ी टेस्टिंग के लिए सो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ के भी धूप ज़्यादा हो रही है हालांकि लाइक बहुत गर्मी है मैंने जानबूझ के जैकेट पहना है कि वहाँ पे मैं सन से बच सकूँ ये कि मेरे बहुत ज़्यादा सन बर्न हुआ है यहाँ पे नूसा पेनिदा में जब हम गए अनएक्सपेक्टेड ट्रैकिंग हो गई मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे आपकी इतना चढ़ना है नीचे इतना उतरना है सो वहाँ पे धूप इतनी थी और कोई सनस्क्रीन नहीं लगाया हुआ था मैंने जिसके कारण मेरी स्किन बर्न हो गई है अब थोड़ी सी भी धूप लगती है ना तो वो बर्दाश्त नहीं होता है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है रीज़न के कारण मैं अभी अपना ऑलरेडी जैकेट पहन के चल रहा हूँ चाहे गर्मी लगे चलेगा लेकिन उसमें ना धूप नहीं लगे मतलब आप बाली का ट्रिप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका एडवेंचर होगा ही होगा सो बेटर ये है कि आप अपने साथ सनस्क्रीन ज़रूर रखना और आप जब भी रखो तो लगा के ही बाहर निकलना चाहे आप 10 मिनट के लिए भी जा रहे हो कहाँ पे निकल रहे भी हम लोग कॉफ़ी अभी हम जा रहे हैं अलस हारूम बाली विच इज़ दी अट्रैक्शन पॉइंट यहाँ पे हम टी और कॉफ़ी टेस्टिंग कर सकते हैं सो यू विल फाइंड लॉट ऑफ टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन देयर सो वही देखने जा रहे हैं कितना किलोमीटर दूर है हार्डली 17 मिनट सो 7 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट ठीक है और वो कोई टिकट नहीं लगती कोई आपके एंट्री चार्जेस नहीं है पार्किंग का पता नहीं वहाँ पे जाएंगे तो बताते हैं पार्किंग है वहाँ पे बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट प्लेस तो वहाँ पे पार्किंग मैंने यहाँ पे देखा है बहुत ज़्यादा पार्किंग हर जगह आप कहीं पे भी पार्क करते हो तो वहाँ पे वो चार्जेस लेते हैं हालांकि बहुत नॉमिनल होते हैं 5,000 रुपया इनके IDR में डोनेशन
इंडोनेशियन रुपीज़ में. सो बहुत सस्ता होता है, आई थिंक 20-25 रुपीज़ के आसपास होता है इंडियन करेंसी के हिसाब से. बट यहाँ पे पार्किंग बहुत लगती है. सो एंट्री फीस की नहीं है ना इसकी? एंट्री फीस नहीं है. कितने बजे तक खुला होता है ये? इट इज़ ओपन टिल इवनिंग, क्योंकि उसके बाद फायदा नहीं. आप वहाँ पे कितने बजे तक? मैक्सिमम आई थिंक 6 o'clock. 6 o'clock. सो अभी टाइम हो रहा है? सो राइट नाउ इट्स गोना बी 4. सो अभी 4 हो रहे हैं. पहुँचने में कितना टाइम लगेगा पता है? वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे आपको बताते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहा. तो चलिए मिनट की राइड के बाद हम पहुंचे अलस हरम बाली, जहाँ पे टी और कॉफी टेस्टिंग करते हैं. टिकट क्यों भाई? If you buy our ticket for the price of 50,000 rupees per person, you can go to restaurants, swimming pool, coffee plantation, our activity. Okay. But if you want to do activity, there's additional charge. That's additional charge. Yeah. Okay. This is what we got. So basically 50,000 per person is a ticket, yeah. And that what we get. It is all. Oh. Yeah. And back check karen. Yeah. This ticket they can keep inside. Yeah, sure. So this is the entry. Hum ja rahe hain niche tea plantation. So कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि टी प्लांटेशन का कोई कॉस्ट नहीं है, इट इज़ फॉर फ्री. और आई डोंट नो, यहाँ पे तो लिखा है कि टी प्लांटेशन का यहाँ पे कॉस्ट है. अगर आप टेस्ट करोगे एडिशनल चार्जेस हैं. 50,000 पर पर्सन बाहर टिकट लगा एंटर करने के लिए. हाय, थैंक यू. यस 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 प्लीज. फ्रॉम एनिमल? From Nipu animal. Okay, so this is animal. In Bahasa, we call it luwak. Luwak. And they are also aggressive animal because normally they live in the jungle. Oh. And for they eat sweet fruit like a banana, papaya, coconut, and coffee. Correct. So coffee. For the coffee, because they are a selective animal, they will choose the best quality of coffee. Okay. And they eat only Arabica coffee. Arabica coffee. Yes. Okay. So the coffee they will eat only swallow bean, and the fermentation in the stomach around 12 hours. Okay. And then they poo. So that poo we will collect, we washing, and then we process for make coffee. Oh. Got it. I have heard this. I have read also on Google as well. Okay. Mm-hmm. So the poo animal we put here, and then we dry under the sun 3 or 5 days, and correct. Then we washing with hot water until okay. They clean. This okay. One already clean. Okay. This is already clean, but this is not real coffee bean. If you want to see real coffee bean, must open the skin. Got it. And this is the coffee bean. Okay. This is after we open the skin, and then we washing with hot water, and then we dry okay. Until they change color like so that. So process. Okay, after. This is dry. After we dry. Okay. Dry after this. We okay. Will wash with hot water again, and then we process for the make coffee. Yeah. Hi. Hi. Let me explain to how we process the luwak coffee. Yes, sure. So the luwak coffee bean we are roasting over there. Okay. So we roasting around 45 minutes until the beans they change the color to be dark brown and then the smell coming out. Okay. So the bean will be coming like this, smell it please. Oh, okay. This is what we see in the market. Yeah. Yeah. Okay. Normal coffee. But basically, we can say it's a poo. Oh yeah. So what is the name of that animal? Luwak. In English they call sipit cat or mongoose. Mongoose. Yes. Okay. It's look like a cat. Yes. And then to make a powder, so the beans we are grinding here. Like this. Okay. Yes. Now Karan is grinding a coffee. It's already grind, I think. So the luwak coffee the process all by manual. Okay. Yeah. Okay. And then the last process, you have to do like this. This is to get the fine powder. Okay, sieving. And this is the finest process. Mm-hmm. Finest. So that becomes a powder. Finest mm-hmm. powder, okay. And then the rest, we put back there and then grinding again. Okay. Got it. So we keep on grinding until unless we get a fine powder. It's become powder. Yes. Okay. So that's our spices, that we make for the tea. So here we have a tea combination, how we make from the ginger. Thank you so much for explaining. Thanks. तो याद रखिए,
हम जो कॉफी पीते हैं वो मैंगो की पूप की है। I have already read it. But I didn't know. अरे ये जब ब्राजील का था ना, ब्राजील का है। ब्राजील में भी सेम प्रोसेस है। सो दे हैव स्मॉल रेस्टोरेंट्स, टॉयलेट सब है यहाँ पे। I need to go in. Okay. Okay. See. This is it. पांच लोग इस ग्लास पे आ सकते हैं एक टाइम पे। This is what it looks like. गुड इवनिंग। सो अभी हम एक रिलैक्सिंग जगह पे बैठे हैं, दिस इज़ अ स्पा। सो इतना चलना हो गया शुरू सुबह से, इधर उधर भागते रहते हैं और उसमें मज़ा भी आता है, एक अलग एडवेंचर होता है, बट देन थोड़ा टायरिंग भी हो जाता है। सो नाउ सी वी आर टेकिंग द रिलैक्सिंग मसाज, फुट मसाज। करंट सोए तो नहीं? नहीं, बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है और ये बहुत ज़रूरी भी था। Actually, almost we walked around 10 kilometers, if I'm not mistaken. और ऊपर से नूसा पेनिदा में भी हम लोग गए थे, तो उसके बाद से भी हमारे पास तब से चल ही रहे हैं और एक्टिवा में भी, हम टू व्हीलर में भी काफ़ी लंबा राइड रहे हैं। सो फाइनली हम यहाँ पे आए एंड देन ये तो बनता है। किसी ने रिकमेंड किया था, ट्रिप एडवाइजर में भी रिकमेंडेशन है, स्पा का नाम क्या है? What is the name of the spa? MM Spa. So these two ladies are actually doing a massage and really nice. बहुत relaxing है. And her name is Tini. And her name is Kadek. So whenever. Good morning. And अभी हो रहा है time approximately 11:30, 12:30. और हमने checkout कर लिया है यहाँ से, Ubud से. और अभी हम जा रहे हैं वापस Kota. Again 1.5 minutes का ride है. So हमारी ये motorbike ready है. अभी हमारे को सर्च करना है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई कॉटन के ग्लव्स मिल जाते हैं, सो वी विल बी टेकिंग दैट। हां, वो बहुत जरूरी है, अभी पूरे पूरे दिख रहे हैं, सब जल जाएगा। फुल ऑन मास्क पड़े हैं पूरे चंबल की घाटी के लिए। अभी डाकू करण सिंह करण सिंह ये सही है वैसे, ये वाला मास्क कम से कम अलग से कोई कवर है, नेक भी कवर हो गया। मैं तो ऑलरेडी काली हूँ, तो मेरा तो सनबर्न का कोई टेंशन नहीं है, गोरे लोगों को बहुत टेंशन है। सो हम निकलते हैं, वी आर रेडी फॉर आवर ट्रिप। एक घंटे का, 1.5 मिनट का, वहाँ पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं।